अब मैं आपको कॉमन फैक्टर बता रही हूँ कि कॉमन फैक्टर को कैसे हम बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। कॉमन फैक्टर मान लो नंबर दिया हुआ है 4 और 5। कॉमन फैक्टर हमें निकालना है 4 और 5 से। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 4 और 5। तो सबसे पहले हम 4 का टेबल लिखते हैं। इसमें हमें पहाड़ा यानी टेबल लिखना होता है। तो 4 का टेबल आप लिख लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो ये 4 का टेबल हो गया। अब इसी के जस्ट नीचे में हम 5 का टेबल लिखेंगे। 4 और 5 नंबर दिया हुआ है, उसी का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम टेबल लिखेंगे, तो 4 का टेबल हो गया 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अब ये 4 और 5 का टेबल हो गया। अब इसको कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सा नंबर दोनों में मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो हम दोनों में नंबर को मैच करेंगे, मिलाएंगे कि दोनों में एक ही जैसा नंबर होना चाहिए, अलग अलग नंबर नहीं। मतलब ये 4 5 है, 8 10 है, ये भी मैच नहीं किया। 12 और 15 ये भी मैच नहीं किया। 16 और ये 20 20 और 20। तो ये 20 सबसे पहले हम कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 20 और 20। तो इसको हम सर्कल कर लेंगे, 20 और 20 मैच किया। उसके बाद ये 24 25 है, 28 30 है, 32 35 है, 46 36 है, 40 है, 40 45 50। उसके बाद कौन सा नंबर मैच हो रहा है, 40 40 40। तो इन दोनों को हम सर्कल कर लिए। अब ये 20 और 40, अभी आप देखो इसमें जो सबसे छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो क्या है, 20 और 40। तो 4 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 20 और 40, क्योंकि दोनों के टेबल में 20 और 40 दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों नंबर को हम सर्कल में किए थे, उसको अब हमें हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर डाल करके इसमें लिख देंगे 20 और 40। कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है दोनों में से एक जैसा नंबर मैच करना होता है, दोनों को मिलाना होता है कि दोनों में कौन कौन सा नंबर मैच कर रहा है। तो इसमें और इसमें दोनों में हम नंबर मैच किए तो क्या क्या नंबर मिला, 20 20 और क्या, 40 40। तो यहाँ हो गया कॉमन फैक्टर इज इक्वल 20 एंड 40। ये हो जाएगा आंसर। थैंक यू।